नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश गुप्ता। आप देख रहे हैं फार्मास्टेट टॉक्स और आज हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की जो अक्सर फार्मास्टेट से पूछे जाते हैं, जैसे कि एमआर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सेल्स मैनेजर जल्दी से जल्दी कैसे बना जा सकता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम यानी पीएमटी में एंट्री के क्या रास्ते हैं, और ऐसे ही कुछ और दिलचस्प सवाल होंगे जो आपको काफी हेल्प करेंगे आगे अपने करियर को बढ़ाने में। और इन सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अभिनव पवार से। डॉक्टर अभिनव पवार को नेस्ले और नोवार्टिस जैसी बड़ी कंपनीज में फील्ड और हेड ऑफिस में भी काम करने का एक्सपीरियंस है। सो वेलकम डॉक्टर अभिनव पवार टू फार्मा टॉक्स। अगला जो मेरा सवाल है वो है एक सोच जो एम आर रखते हैं कि जो पीएमटी टीम यानी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम होती है वो हेड ऑफिस में होती है, उनकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल है, हम तो फील्ड में रहते हैं, हा? या एरिया सेल्स मैनेजर बनने के बाद भी क्या होगा, इससे अच्छा तो सीधा पीएमटी ज्वाइन कर लें। तो थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करें कि आपसे कि आखिर पीएमटी ज्वाइन करना अच्छा है या एरिया सेल्स मैनेजर अच्छा है, या दोनों ही बराबर हैं, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं, और पीएमटी जॉब में एक्चुअली होता क्या है। सतीश, आई थिंक दिस माइट बी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस टू आंसर, बट थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज एक्टिवली मैं इस क्वेश्चन का जवाब बहुत लोगों को दे चुका हूँ। डिपेंड करता है बंदा लाइफ में चाहता क्या है, उसको क्या मोटिवेशन मिलता है। ये मिथ कहाँ से जनरेट हुआ आपको बताता हूँ। यूजुअली जब एक बंदा हेड ऑफिस से आता है फील्ड में काम करने के लिए, तो हमारे यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन जाता है कि बंदा हेड ऑफिस आ रहा है तो वी हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, हमको ये करना है, हमको ये दिखाना है, हमको वो दिखाना है। बट हम एक छोटी सी बात भूल जाते हैं कि वो जो देखने आ रहा है वो भी एक काम है। इट डज नॉट मीन कि कोई किसी से बहुत सुपीरियर है, इट इज अ डिफरेंट स्किल सेट ऑल्टोगेदर। क्या प्रोडक्ट मैनेजर एक मेडिकल अच्छे मेडिकल रेप जितनी अच्छी इफेक्टिव डॉक्टर कॉल कर सकता है? वी डोंट नो। तो क्या उसको प्रोडक्ट मैनेजर को इंफीरियर समझना चाहिए अपने आप को? आई डोंट थिंक सो। वो सिर्फ उसका जॉब अलग है और एक एमआर का और एएसएम का जॉब अलग है जी। देखा जाए तो एक जॉब है जो लीडरशिप डिमांड करता है, क्या आप बंदों को लीड कर सकते हो, आप बंदों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप बंदों को इम्पैक्ट कर सकते हो, आप बंदों को ग्रो करा सकते हो, खुद भी उनके साथ ग्रो कर सकते हो। आपको फील्ड में जाने से एंथुसियाज्म मिलता है, डेली डॉक्टर से मिलने को मिलता है, आपकी लाइफ में नया चैलेंज हर रोज होता है। आप समझ रहे हैं? वहीं पर आते हैं प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव के रोल पे, या प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव इसलिए बोलूंगा क्योंकि वहां से शुरुआत होती है। लेट इज नॉट जंप द गन्स एंड गो टू अ मार्केटिंग मैनेजर और अ ब्रांड मैनेजर। कोशिश करें तो कुछ कंपनियों के स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विल बी हायर देन अ प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव रोल ऑफ समथिंग। इट इज जस्ट अ रोल डिफरेंशिएटर, इट इज नॉट अ हायरार्की डिफरेंशिएटर। हायरार्की का फर्क नहीं है, सिर्फ काम का फर्क। अब आते हैं, तो मैंने बोला कि एक तरफ लीडरशिप चाहिए, अब आते हैं दूसरे रोल। एक प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव को लोगों को क्या चाहिए? वो एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर है, वहां पे लीडरशिप नहीं है उसके पास में, वो किसी को लीड नहीं कर रहा, वो किसी को ग्रो नहीं करा रहा, वो डेली डॉक्टर से नहीं मिल रहा, लेकिन वो बहुत क्रिएटिव है। अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है, उसको बड़े शीट्स में नंबर समझ में आते हैं, वो डेटा को एक मीनिंगफुल तरीके में समझ सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है और ये बता सकता है कि मैंने जब ये किया तो ये बिजनेस कैसे ग्रो किया, ये किया तो ये बिजनेस कैसे ग्रो किया। फील्ड से इनपुट ले सकता है क्वेश्चन बना करके कि हमें क्या नया करना चाहिए और उस काम को एग्जीक्यूट कर सकता है। ब्रांड मैनेजर का रोल एक ऐसा रोल होता है या ब्रांड एग्जीक्यूटिव का रोल, जहां पर आप एक ब्रांड के कर्ता-धर्ता होते हैं। उस ब्रांड तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी में चले जाते हैं बात समझाने के लिए,
मैं अगर एक ब्रांड एग्जीक्यूटिव हूँ तो मेरे पास अगर एक ब्रांड है तो एक ब्रांड कैसे काम करता है कंपनी में, समझना बहुत जरूरी है। जब एक ब्रांड की सेल होती है तो उस ब्रांड का रेवेन्यू होता है जी। ये तो बहुत सिंपल है। बिल्कुल। रेवेन्यू जनरेट कराने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट बनानी पड़ती है। पहली कॉस्ट तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, बनाने का खर्चा, करेक्ट। उस पर्टिकुलर ब्रांड को बेचने के लिए कुछ लोगों की सैलरी का खर्चा, कुछ मैंने इनपुट्स बनाए, डिज़ाइन बनाए, कुछ एंगेजमेंट किए, कुछ एक्टिविटीज की, वो खर्चा। उन सारे खर्चों को हटा दो रेवेन्यू में से तो प्रॉफिट बनता है जी। एक ब्रांड मैनेजर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस ब्रांड के लिए वो काम कर रहा है वो ब्रांड प्रॉफिटेबल होना चाहिए एट द एंड ऑफ इट। वहीं पर एक एरिया मैनेजर का काम क्या है कि जिस टेरिटरी में वो काम कर रहा है उस टेरिटरी की सेल्स ग्रो होनी चाहिए। तो उसके पास तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कुछ पेन किलर्स हो सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। अब दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट मैनेजर हैं, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट प्रॉफिट दें। एरिया मैनेजर ये इंश्योर करता है कि उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट है। बिल्कुल। तो ये दोनों डिफरेंट रोल्स हैं। बॉम्बे की लाइफ डिफरेंट है, बॉम्बे बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इन मुंबई। बिल्कुल, बॉम्बे, बैंगलोर, वहां पर किसी बंदे के अगर हम एवरेज औसत आय 6 लाख रुपए प्रति साल है, प्रति वर्ष है, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अलग होगा कंपेयर टू अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसकी भी सैलरी 5-6 लाख रुपए सालाना है, बट वो दिल्ली में जॉब कर रहा है या मेरठ में जॉब कर रहा है या किसी ऐसी जगह जॉब कर रहा है जो कि मतलब इतना महंगा रहने के लिए नहीं। मोटिवेशन का फर्क होता है, इसको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। दोनों सैलरीज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ काम का फर्क है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दिन, क्योंकि देखने का नजरिया है। सेल्स का बंदे को लगता है कि एक बंदा हेड ऑफिस आया है तो बहुत सुपीरियर हो सकता है या बहुत हमारा बॉस हो सकता है या वैसा कुछ, बट ऐसा है नहीं। वो एक अपना काम कर रहा है, वो सिर्फ देखने आ रहा है कि उसका ब्रांड कैसे कर रहा है। जब मेडिकल रेप्स डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर क्या परसीव कर रहे हैं, उस ब्रांड के अंदर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसको कैसे सुधारा जाए। आई थिंक दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउ इट इज। और अंग्रेजी में कहावत है, बहुत ही साधारण सी कहावत है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हिंदी में बोलते हैं दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नजर आता है, ऐसा वैसी ही बात है। मैंने हर तरह से काम करके देखा है। वो एक अलग अलग लेवल की डिमांडिंग जॉब है और ये एक अलग लेवल की डिमांडिंग जॉब है। जब बंदे वहाँ चले जाते हैं, जब वो दिन भर कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं, फील्ड में अलग एक्साइटमेंट है, आप नए मेडिकल लैब्स, हर डॉक्टर का एक अलग मेडिकल लैब आपको मिलेगा, एक अलग दोस्ती होती है, एक अलग डॉक्टर से मिलना है, एक अलग एक्साइटमेंट है। अगर डॉक्टर कॉल अभी नहीं कर पा रहे हो और जेब में कुछ बैंक का काम पड़ा हुआ है, बैंक सामने दिख गया, कर सकते हो, बट उस जॉब में आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आप पहले से प्लानिंग करो कब छुट्टी लोगे ताकि बैंक का काम करा सको। और बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग होती है, तो इट्स अ डिफरेंट जॉब। मैं ये बोलना चाहूँगा सुपीरियर ऐसा कुछ नहीं।